अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मोम्स लोग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ड्रेसेस जो मेरे पाकिस्तान से आए हैं। फैंसी तो नहीं है, ये नॉर्मली घर पहनने के लिए मैंने मंगवाए थे। तो ये बहुत प्यारा है, ये खद्दर का ड्रेस है, 3 पीस हैं और ये ब्राउन एंड ब्लैक है। ये बहुत प्यारा है और आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने ज़्यादा ये कि सर्दियों के कपड़े नहीं मंगवाए, क्योंकि मैं जब आई थी मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई थी, तो मुझे ज़रूरत थी ये समर के कपड़ों की और लॉन वगैरह के। और ये भी खद्दर का ही ड्रेस है। तो ये देखें, ये ग्रीन एंड वाइट कलर है और बहुत प्यारा ये कलर, ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। और ये भी खद्दर का है, खद्दर के मैंने 2 ड्रेसेस मंगवाए हैं। और स्टिचिंग का तो मुझे खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी बहन जो है वो बहुत अच्छे से ना मुझे स्टिच करके भेज देती है। तो ये जो है ये लीलन टाइप का है और ये बहुत प्यारा कलर है। इसमें पता नहीं ये कैमरे में कुछ इसी तरह का आ रहा है, बट ये रियल में बहुत प्यारा कलर है, गाजरी सा है। यहाँ पे तो कुछ पिंक पिंक टाइप का शेड दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा कलर है। ये फुल कढ़ाई वाला है। तो ये कि पेरेंट्स जो हैं तो पता नहीं शायद बहुत ख्याल रखते हैं, तो मुझे ज़रूरत ना भी हो तब भी वो मुझे भेज देते हैं। तो वो बस वेट कर रहे थे कि कोई आए ना। यहाँ पे एक्चुअली ये है कि सब स्टूडेंट्स ही हैं, तो वो उनको भी वेट, जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होता, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपनी चीज़ें लानी होती हैं। तो ये थोड़े थोड़ा कुछ वेट, किसी को कुछ चीज़ें, किसी को कुछ, किसी को ऐसे मंगवा ली जाती हैं। तो ये भी लॉन का ड्रेस है, ये बहुत प्यारा है, ये जे डॉट का है और ये बहुत प्यारा है। ये देखें, ये फुल कढ़ाई हुई है। मुझे इस ज़्यादा कढ़ाई वाले पसंद नहीं है सूट, तो मुझे बस बहुत सिंपल सिंपल ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। और ये आप ये देखें कितना प्यारा है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। और सिलाई का तो ये है कि बस सिस्टर कर देती हैं और मेरी ये भी बचत हो जाती है। तो मुझे नहीं याद कि मुझे मैंने शादी के बाद ख़ुद से कभी शॉपिंग की हो। जब भी करती हूँ अपनी सिस्टर के साथ, अम्मी वगैरह के साथ ही जाके तो करती हूँ, क्योंकि हबी के पास तो वैसे भी टाइम नहीं होता और हम मेरी तो वैसे भी इतनी ज़्यादा चॉइस अच्छी नहीं है शॉपिंग के से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो। ये सिस्टर की सारी चॉइस मतलब उसके ही हैं, तो अच्छे से उसने मुझे स्टिच भी करके भेजे हैं सारे, तो ये अच्छी बात है सिस्टर होने का, उसने जो है ना मुझे ये फ़ायदा है। तो ये 2 पीस हैं और ये भी बस ये घर पहनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक या ज़्यादा 2 सीज़न ही चल जाते हैं ये लॉन के सूट। तो चाइना में इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती, बट होती है 2 माह, मगर फिर भी मैंने ज़्यादातर मंगवा लिए। चलें जो मैं लेके आई थी वो यूज़ हो जाएंगे, फिर ये भी यूज़ हो जाएंगे, जितने हों उतने ही कम लगते हैं। और ये जो है ब्लैक एंड वाइट है और ये बहुत प्यारा है, ये कॉटन का है। और मैं ज़्यादा कढ़ाई वाले कपड़े नहीं पहनना पसंद करती, बट फिर भी ये जे डॉट की ये शर्ट है और ये प्लेन इसके साथ वाइट ट्राउज़र और ये शिफॉन या आई थिंक क्रिंकल कट दुपट्टा है, ये बहुत प्यारा है। और आपको वो प्रेस तो नहीं हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जब मुझे पहनने होंगे तब मैं प्रेस कर लूँगी। खैर ये आपको मिठाई नज़र आ रही होगी, तो ये पाकिस्तान से जो आए हैं हबी के फ्रेंड्स, उनकी शादी हुई है माशाल्लाह, और वो हमारे लिए लेके आए थे मिठाई, स्वीट लेके आए थे। अल्लाह पाक उनको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता करे और नज़रें बद से बचाएँ। तो मुझे जब से हम चाइना आए हैं हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मिठाई ट्राई की है और हम काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए। और ये भी मेरे पेरेंट्स ने भेजी है, मेरी बहुत ही बहुत मासूमाना ख्वाहिशात होती हैं, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ भाई नीम को भी मंगवानी चाहिए, तो मैंने ये मंगवाई है। और खैर बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं जिसको मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो आप बहुत ज़्यादा हंसेंगे। वही बात है ना, वहाँ पे पाकिस्तान में कदर नहीं थी, तो यहाँ पे चाइना में आके पता चला, तो मुझे खुद भी समटाइम बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि मैं कैसी कैसी चीज़ें मंगवाती हूँ। बट लाने वालों का बहुत शुक्रिया, ये कि चाइना में बहुत सपोर्टिव लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं,
तो एक ये भी एक भाई है, उनकी शादी हुई थी, उन्होंने भी लेके आए तकरीबन, हमें दो तीन तीन मतलब भाई थे वो अभी के फ्रेंड्स, उनकी शादी हुई है तो उन्होंने हमारा मुंह मीठा करवाया। और तो बहुत बहुत उनका सबका शुक्रिया, और हमें तो बहुत मज़ा आया। ऐसा इस बात है, 2 साल के बाद हम मिठाई खा रहे थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके।